पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत या फिर परमिटेड है, मेरठ विकास प्राधिकरण के बायलॉज से दूर तलक कोई वास्ता न रखने वाले शब्द परमिटेड को सुनकर भले ही दिमाग के एक बार की चकरा जाए, लेकिन हकीकत तो कुछ ऐसी ही है। किसी भी कानूनी का मानचित्र यानी नक्शा पास कराने से आने वाले मोटे खर्च के बाद भी अभियंताओं के जेब का ख्याल मुस्कुराते हुए करना ही पड़ता, जबकि बिना मानचित्र पास कराए कच्ची कमानी बनाने पर प्राधिकरण में जमा होने वाला शुल्क बच जाता है। उसके लिए ही इस परमिटेड शब्द का इजाद किया गया है। आपको सुनकर यह अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन मेरठ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना को पलीता लगाकर हजारों की संख्या में बनाई जा रही कच्ची कॉलोनी के निरीक्षण के दौरान फर्स्ट पार्टी वी की टीम को इसी शब्द से रूबरू होना पड़ा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंकड़खेड़ा के लाला मोहम्मदपुर इलाके की। यहाँ आर्मी कॉलोनी 1 पहले बन चुकी है प्राधिकरण अभियंताओं की कथित परमिशन से, और अब भ्रष्टाचार की बेहद मांग पर आर्मी कॉलोनी 2 की यहाँ बात हो रही है। आर्मी के नाम पर भ्रष्टाचार की खुली बातचात, चलिए देखते हैं। पानी लिया क्या रेट चल रहा है? हाँ जी ले लो, जो हवा पसंद आ जाए। एमडी अप्रूव तो कोई कॉलोनी नहीं कटती, लेकिन परमिटेड जरूर लुटती है। उन्हें क्या इशारों पर कटे? एक तो काम होता है ऑथोरिटी कराएगा, ऑथोरिटी साइन कराओगे तो करा कर 20 लाख रुपये खर्च कर दोगे, और लोहे दे के काम कराओगे तो थोड़े पैसे में काम हो जाएगा। वो भी कॉलोनी अप्रूव नहीं है, लेकिन एमडी बारी कटवा रहे हैं। हवा फर नहीं है? कौन 9 नंबर वाट का जानते होंगे आप? देखो सिग्नल के तो ये है पट्टी, ये भी ये डबल का है, मतलब डबल साइड थोड़ा बारह के रेट, क्योंकि 12 अच्छी कॉलोनी में 12 के रेट महंगा नहीं है। लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, रोड भी चाहिए, तो आएंगे कहाँ? 8-1 हज़ार रुपये में 8-1 हज़ार में देख उधर मिलना, 8 हज़ार वो कॉलोनी में पड़ता है, 8 हज़ार उसके सामने वो मिल जाएंगे, 8 हज़ार यानी मिले। कौन है इसके ओनर? कौन है? परवेश भाई है। वो भी सभासद वगैरह हैं ना? हाँ ऐसे ही, मतलब नॉर्मल। और आप उनके? मैं भी पार्टनर हूँ छोटा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश सोदी है। तो फाइनल कौन करेगा, आप करोगे या भैया फाइनल करेंगे? जैसा आपको अच्छा लगे, भैया करेंगे भैया कर देंगे, यहाँ बोलो यहाँ कर देंगे। क्या बात, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ कर लो। तो आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम मिस्टर राजेश चौधरी, 8899 7976 ये तो कॉलोनी तो कट रही है आर्मी कॉलोनी के नाम से। आर्मी कॉलोनी? हाँ आर्मी कॉलोनी 2 है। रोड पर से, रोड से आप आए होंगे तो रोड उस तरफ जो आर्मी कॉलोनी 1 है, इधर आर्मी कॉलोनी 2 है। वो भी आप ही ने काटी थी ना? तो पहले काटी थी कोई और लेके और। मोहम्मदपुर कहला था शायद ऐसे, ये गांव है मोहम्मदपुर है, मोहम्मदपुर गांव, मोहम्मदपुर। क्या रेट लग जाएगा जी? मैंने तो रेट सही बताए हैं, बताओ। अब आपकी जो भरे आप बता दो।
जो मेरा जो दिमाग काम कर रहा था ये था कि आठ एक हज़ार रुपये में कच्ची कॉलोनी में मिल जाता है। अब वो हो सकता है कि भाई यहाँ ये शहर के पास है तो इस वजह से देखो कैंट में हाँ कैंट के नज़दीक कॉलोनी है, ये भी कैंट है, आपके बगल में भी कैंट है। ये एक बार फिर से देखिए इस राजेश चौधरी नामक शख्स को जो सीधे सीधे बता रहा है कि किस तरह मेरठ विकास प्राधिकरण की मिलीभगत और आशीर्वाद से इलाके में कई कच्ची कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं और हो रही हैं, बदस्तूर अभी भी जारी है। MDA अप्रूव तो कोई कॉलोनी नहीं कटती लेकिन परमिटेड जरूर होती है, उन्हें क्या इशारों पर कटे है। एक तो काम होता है ऑथोरिटी कराएगा, ऑथोरिटी साइन कराओगे तो करा कर 20 लाख रुपये खर्च कर दोगे और लोहे देकर काम कराओगे तो थोड़े पैसे में काम हो जाएगा। वो भी कॉलोनी अप्रूव नहीं है लेकिन MDA बारी कटवा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।